पेन समझ सकता हूँ मेरे भाई लोग, पेन समझ सकता हूँ, नॉट एज ए यूट्यूबर, यूट्यूबर सब तो बाद में हूँ, पहले फ़ैन हूँ, और बाकी ये जो लेजेंडरी बड़े बड़े यूट्यूबर्स, अरे बाप रे, एक मिलियन वाले यूट्यूबर्स, ट्रेलर के नाम पे, ट्रेलर का तो अपडेट नहीं रहता वीडियो में, ट्रेलर ऑफिशियल ट्रेलर लिखते हैं, अंदर कुछ और चलता है उनका, तो वो तो वो सब चीज़ें नहीं है, जो है तो है, जो है तो है ट्रेलर, क्योंकि मेरे को पता है कि वो जो होता है ना, वो पागलपन की भाई, कुछ तो मिले, कुछ तो कहीं से कुछ तो सुनने को मिले, वो एग्जैक्टली वो पता है मेरे को, और वो फेल और पेन मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि वो सेम चीज़ मेरे को भी है। क्या है ना, इनको भी मतलब है भाई, एक मूवी है, ये लोग ऐसे कर रहे हैं जैसा कि बर्मुडा ट्रायंगल का सीक्रेट इनको मिल गया, सीक्रेट बहुत बड़ा पिक्चर ही है, वो पिक्चर को अपन लोग फैंस व्यूअर्स वही लोग देखकर हिट कराने वाले हैं, और पठान जैसे उतनी लीगेसी, हाई लीगेसी, भाई बहुत रेस्पेक्ट देता था, पता है वायरफ एक्चुअली में रेस्पेक्ट देता था फैंस लोगों को, क्योंकि मेरे को पता है हम सब गए थे वहाँ पर वो सेलिब्रेशन करने के लिए, हम सबको बुलाया था उन लोगों ने, भाई इतना प्यार से हर चीज़, हर वीडियो का क्लिप्स वगैरह देखा भी होगा आप लोगों ने मेरा, वो वायरल बॉलीवुड सब जगह पे, तरण आदर्श का पेज सब जगह पे मेरा वो क्लिप था, वो बड़ा 10 फीट का इसके साथ बैनर के साथ, तो वो सारी चीज़ें वो बराबर हिसाब से करता था, बट ये लोग आई डोंट नो, बट ठीक है, वो ज़्यादा, उनको ज़्यादा पता है, वो ज़्यादा नॉलेजेबल इंटेलिजेंट हम लोगों के कंपेयर में, तो व्हाट दे आर थिंकिंग दैट माइट बी करेक्ट, हो सकता है, बट एज अ व्यूअर एज अ फैन, एज अ आप लोग की तरह, तो मैं ये पेन को समझ सकता हूँ। ट्रेलर का क्या सीन है, एक चीज़ में दिलासा नहीं दे रहा हूँ, मैं दिल से बोल रहा हूँ, एक चीज़ बोल रहा हूँ, जिन लोगों को ये कन्फ्यूजन है, मैं सच बता रहा हूँ, दिस इज़ अ कंक्लूडेड वीडियो, जिन लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि ट्रेलर है ही नहीं इस फिल्म का, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेजेस इस चीज़ के बेसिस पे था, एंड वहाँ पर ट्वीट्स किया जा रहा था टैग करके कि भाई ट्रेलर ही नहीं है, ट्रेलर है कि नहीं, तो मैं एक चीज़ बता दूँ, ट्रेलर प्रीव्यू टुनटुन मौसी क्या क्या, ये लोग तो ये नाम देने में, ये तो बाबा नाम देने में बहुत एक्सपर्ट है ये लोग एक्सपेरिमेंट करने में, प्रिव्यू भौवा का टोली सेजल वेव्स प्रिव्यू ये सब नाम सब देने में बहुत, जो काम सब करते हैं वो काम इनको करना नहीं है, इनको सब हटके सारा कचड़ा जितना भी उटपटान काम जितना भी है वो सब ये लोग करेंगे, तो ठीक है ट्रेलर, आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रेलर, 3 मिनट का ट्रेलर जो भी है, ये 100% है, दिस इज श्योर शॉट, नो डाउट। मैं और दिल को तसल्ली देने के लिए ये बोल देता हूँ, दिल को सुकून देने के लिए, तसल्ली तो मेरे को खुद को देना चाहिए, सुकून देने के लिए एक और चीज़ मैं बोल रहा हूँ, कि अगर नहीं है ना, फिर से मैं उसी दिन की तरह, मैंने जहाँ पर इन लोगों ने पहले तमाशा किया था ना एक बार ऐसा ही, उस दिन मैंने क्या बोला था, अगर 6 दिन में नहीं आया कंटेंट इस फिल्म का, चैनल बंद कर दूंगा, तो वैसे ही बोल रहा हूँ, अगर 6 दिन में इस फिल्म का ट्रेलर नहीं आया तो चैनल बंद कर दूंगा, तो अब सुकून में रहो, साहिल भाई ने बोल दिया, अब सुकून में रहो, आएगा ही आएगा 6 दिन में ट्रेलर, अब इन लोग को कल पिक्चर रिलीज हो रही है 7 तारीख को, ये लोग को 6 तारीख को देना, तो देने दो, अपन लोग को बस फिल्म को एंजॉय करना, बस और कुछ नहीं भाई, फिल्म मास लेवल पे बनी है, नो डाउट फिल्म मास लेवल पे बनी है, ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, चीज़ें देखी हुई है, वो आप लोगों को पता है क्या 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 मैं देख चुका हूँ स्टार्टिंग से। तो ट्रेलर की बात भाई, 25-26 ये दिस वॉज द एक्चुअली परफेक्ट डेट टू रिलीज द फिल्म, बट ये लोग 25-26 को नहीं रिलीज़ कर किया है अब तक, तो एज ऑफ नाउ तो नहीं रिलीज़ किया है, लेकिन एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, 1 सितंबर किसी ने बोला है उस बेसिस पे मैं बता रहा था, लेकिन एक चीज़ बताता हूँ, 28 अगस्त यानी कि 28 अगस्त को इसका ऑफिशियल एडवांस बुकिंग चालू होगा, ये 10 दिन पहले एक वीडियो बनाया था मैंने एडवांस बुकिंग इंडिया, जिसमें कि मैंने डेट बताया था 28 अगस्त को पूरे इंडिया पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसका एडवांस बुकिंग चालू हो जाएगा, और 26 से शायद कुछ सेंटर्स खुल जाए, 26 कब, कल है ना, कल से शायद कुछ सेंटर्स खुल जाए, इवन सेंटर्स खोले गए थे वो अशोकनगर आई गेस, उनको वापस बंद कर दिया गया था, तो 28 अगस्त प्रॉपर पूरे इंडिया में एडवांस बुकिंग चालू होगी, तो हम शायद ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये कहीं एडवांस बुकिंग को तो टारगेट तो नहीं कर रहे, क्योंकि ट्रेलर अभी दे दो, फिल्म का हाइप सर करके बढ़ेगा, उसी टाइम पे एडवांस बुकिंग छोड़ दो, उसी टाइम पे पब्लिक दबा के टिकट्स खरीदेंगे, क्योंकि ये रेड चिलीज है, ये इनका अलग लेवल का दिमाग, एकदम ब्रह्मांड का बाहर का साइंटिस्ट लेवल का दिमाग चलता है, ये चंद्रयान 5 भी ये लोग छोड़ने वाले हैं, वो लेवल का दिमाग चलता है, तो शायद आई थिंक दिस माइट बी द स्ट्रैटेजी, अगर ये स्ट्रैटेजी है तो कल अनाउंसमेंट हो जाना चाहिए मेरे भाई लोग, और परसों तक ट्रेलर आ जाना चाहिए। संडे कब है, संडे कल है ना, कल नहीं परसों, संडे आई गेस संडे या मंडे, तो कल अनाउंसमेंट हो जाना चाहिए,
परसों तक ट्रेलर आ जाने, या तो फिर परसों अनाउंसमेंट हो जानी चाहिए, नरसों तक ट्रेलर आ जाने। कल परसों नरसों तीनों नहीं आएगा तो मार्क माय वर्ड मेरे भाई लोग, मार्क माय वर्ड, सीन साइन करके बॉन्ड पेपर में लिख देना, 1 सितंबर को उसका ट्रेलर आ रहा है। ये आज मैं नहीं बोल रहा है, मैं 2-3-4 दिन से लगातार बोल रहा हूँ, क्योंकि किसी ने बोला है उस चीज़ को, मैं सोचकर बोल रहा हूँ कि अगर ये 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 3-4 दिन के अंदर नहीं आ रहा है, ये लोग करेक्ट टू करेक्ट 1 तारीख को इसका ट्रेलर लॉन्च करने वाले हैं। वो भी लॉन्च करने वाले, इवेंट होगा, लॉन्च करेंगे एक प्रॉपर, एक बड़ा इवेंट होगा, इवेंट के साथ ये लोग ट्रेलर लॉन्च करेंगे। मे बी, मैं ये बोल रहा हूँ, ये अपडेट का मैं बता रहा हूँ। और दूसरी चीज़ मेरा तरफ से मैं ये बोलता हूँ कि जैसा एडवांस बुकिंग, अगर इनको थोड़ा से भी पता है कि एडवांस बुकिंग मास लेवल पे होनी चाहिए, तो उस हिसाब से ट्रेलर कल अनाउंसमेंट होना चाहिए। ट्रेलर कल अनाउंसमेंट होगा और परसों तक ट्रेलर यूट्यूब में अपलोड हो चुका होगा। यही दो सिनेरियो लास्ट बचा हुआ है, इसके अलावा कोई सिनेरियो नहीं बचा। जो लोग एंथुजियास्टिक वे में पूछ रहे हैं ना कि डेट्स, वो खुद एक्चुअली इसको ही नहीं पता डेट्स क्या है। 7 को मूवी रिलीज है, हम लोग सोचे 2024 को मूवी रिलीज है, उनको वो पिक्चर ही कब रिलीज है वो भी नहीं पता, मोजिटो पी रह जाके वहाँ पर। तो छोड़ो वो सब बात, तो मेरे को गुस्सा आ रहा है सब बोलने के टाइम पे। तो ठीक है, ये दो ही सीनारियो अब बचा है, लास्ट एंड लास्ट मैथमेटिकल सीनारियो बचा है, 26-27। वो तो 28 भी, ये लोग का मंडे, इनका मंडे का डीजे चलता है, इनका मंडे का डीजे, वो भी बोल सक भरोसा नहीं। ये नहीं है तो 1 तारीख मास साइन सील बॉन्ड पेपर में लिख कर ले लो, अगर कल परसों नहीं आता है, क्योंकि कल परसों आना है ना उसका प्रोबेबिलिटी मेरे को ज़्यादा लग रहा है। क्यों? बिकॉज एडवांस बुकिंग 28 को चालू हो रही है, तो शायद इनको थोड़ा सा भी अगर मगज, यहाँ पर मगज है, तो ये कल और परसों ही इसको रिलीज़ करेंगे, बिकॉज एडवांस बुकिंग को एक मास ग्राफ देने के लिए, या फिर अपडेट्स के हिसाब से जो मिला गया, दैट्स द लास्ट एंड फाइनल डेट 1 सितंबर। तो अभी शायद थोड़ा सा फील आया, बिकॉज देना है भाई ट्रेलर का अपडेट, ऑफिशियल ट्रेलर अपडेट लिखते हो यूट्यूब के वीडियोस में तो अंदर वही चीज़ डालो, अंदर वही चीज़, ऑफिशियल ट्रेलर अपडेट बोल के अंदर में हम लोग 5,000 स्क्रीन में रिलीज़ करेंगे फिल्म को, ये सब नहीं करने का, ये सब नहीं करने का भाई, पब्लिक को सेंटी हर्ट फील नहीं करने का। क्योंकि बहुत सारा यूट्यूबर्स का लिंक भेजा गया है मेरे को कि भाई इसको समझाओ, ये साला मतलब क्या बोलूँ मैं, मेरे को कुछ बोलने का ऐसा लगे, फिर उनका छोड़ो यार, फील है बस, मूवी है आराम से। जो मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, जब भी जिसको जो देना है देने दो, नहीं देना मत देने दो, आराम से बैठो, 7 तारीख को मूवी आ रही है ना, देना नहीं देना मत देने दो, जाओ मूवी देखने जाओ, 2-3 बार जाओ, मजा करो, टकला हंगामा कर दिया है वहाँ में, अलग मास लेवल को भाई, एक ही बंदे के ऊपर बस ये पूरा रेड चिलीज को साइड कर लो, बस शाहरुख खान के ऊपर भरोसा रखो और बस फिल्म देखने जाओ, एक ही चीज़ मैं बोलूँगा।